905 का। अच्छा, कैसे पता चला? खाता चेक करने गए थे ना। बिहार के कटिहार में दो बैंक खातों में 960 करोड़ रुपए की राशि आ गई। इतनी बड़ी राशि अकाउंट में आने से बैंक अधिकारी भी हैरान हो गए। दोनों अकाउंट में इतनी बड़ी राशि आने की बात पता चलते ही अन्य लोगों ने भी अपने खाते चेक करना शुरू कर दिया। अपना अपना अकाउंट चेक करने पहुंचे लोगों के कारण CSP सेंटर पर कतार लग गई। बिहार में स्कूली बच्चों की पोशाक की राशि बैंक खातों में ही आती है, तो आजमगढ़ थाना क्षेत्र के बस्तिया गांव के दो बच्चे गुरुचंद्र विश्वास और आसित कुमार पोशाक की राशि के बारे में जानकारी लेने SBI के CSP सेंटर गए थे, जहां ये सुनकर उनके होश उड़ गए कि उनके खातों में करोड़ों रुपए आए हैं। गुरुचंद्र विश्वास के खाते में 905 करोड़ रुपए से अधिक आए हैं। सुनिए गुरुचंद्र विश्वास ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बताया। 905 करोड़। अच्छा, कैसे पता चला? खाता चेक करने गए थे ना। तो कौन सी के लिए खाता में पैसा आता है? स्कूल का। अच्छा, स्कूल का। तो चौक गया है ना, कैसे पैसा, इतना पैसा है? इतना पैसा आ गया तो आश्चर्य हुआ ना तुमको? हाँ। कितना पैसा हुआ है? 905 करोड़। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बता। मिडिल स्कूल बलतर। कितना क्लास में? 6। और आसित कुमार के खाते में 62 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए हैं। 62 करोड़। कौन खाता में है? स्कूल वाला। किताब खरीदा। कौन सी का देता है पैसा उसमें? किताब खरीदने के लिए। इतना पैसा तो नहीं आता है? नहीं। कितना पैसा आता है किताब खरीदने के लिए? 500। मामले पर निवासियों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बच्चों का अकाउंट जो किताब और राशि इसका पोशाक का पैसा निकालने गए तो करोड़ों करोड़ मेरा लड़का का पैसा घुसा है। 62 करोड़ रुपया घुसा है। ये सुन के घबरा गए कि इतना पैसा आया कहाँ, कैसे? पहले ये दोनों बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। स्कूल में पढ़ने के समय में पोशाक राशि का जो पैसा आने वाला था तो बच्चा ने चेक किया। जो चेक किया तो उसमें देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ का पैसा उस खाते में घुस रहा है। तो हमने सरकार से मांग करेंगे कि बैंक द्वारा इतना पारदर्शिता के साथ काम होता है, इतना करोड़ों करोड़ का पैसा एक खाते में कैसे आता है। जो हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पैसे की जांच किया जाए और बैंक को पारदर्शिता किया जाए। तो वहीं ब्रांच मैनेजर से जब इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि पैसे बैंक खाते में नहीं आए थे, स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसकी जांच चल रही है। लेकिन रातों रात करोड़पति बने इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ।